नमस्कार, नरीमा आपके साथ इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पे नजर डालें। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मोनिका ठाकुर। इसराइल हमास के युद्ध दिन ब दिन लगातार और ज्यादा भयंकर और भीषण होती नजर आ रही है। ईरान ने 48 घंटे का युद्ध लड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। 48 घंटे में ईरान 200 मिसाइल फायर करना चाहता है। 48 घंटे में ही ईरान अब इसराइल को पूरी तरह खत्म करना चाहता है। ईरान ने इस युद्ध के लिए एक बड़ी तैयारी की है, वो तैयारी क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। देखिए, इस तैयारी का एक वीडियो सबसे पहले इसराइल पहुंचा है और जब से इसराइल पहुंचा है तब से नेतन्याहू के सभी कमांडर बैकफुट पर नजर आ रहे। ईरान ने फैसला कर दिया है। ईरान ने ताकत की नुमाइश शुरू कर दी है। ईरान ने ऐसी फायर पावर दिखानी शुरू कर दी है जिसकी जद में जो आएगा वो मिटा दिया जाएगा। ईरान बताना चाहता है कि इसराइल से वो टक्कर लेने के लिए तैयार है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है कि ईरान अब इसराइल से युद्ध करना चाहता है? क्योंकि गाजा से युद्ध निकलकर बाहर फैला तो खतरा तीसरे विश्व युद्ध का जताया जा रहा है, जिसकी आग में पूरी दुनिया जलेगी। ईरान पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजर है। इसराइल से लेकर ब्रिटेन और रूस से लेकर अमेरिका तक सब ईरान के इस फायर पावर पर नजर गड़ाए बैठे हैं, क्योंकि इन धमाकों, इन रॉकेट्स और इन टैंकों के टारगेट पर इस वक्त दो देश हैं। पहला है इसराइल और दूसरा है उसकी मदद करने वाला अमेरिका। इन दोनों देशों से दुश्मनी की सबसे नई वजह इस वक्त गाजा है और वहां हो रही बमबारी। गाजा में इसराइल की बमबारी की वजह से 8,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। कब्रिस्तान नहीं बचे हैं, लोगों को एक साथ दफनाया जा रहा है। गाजा की हजारों इमारतें इसराइल के बम से तबाह हो चुकी हैं। गाजा में 21,000 से ज्यादा लोग घायल हैं और गाजा का हर अस्पताल इस वक्त बुरी तरह जख्मी लोगों के इलाज में जुटा हुआ है। इन्हीं तस्वीरों की वजह से इस वक्त पूरे पश्चिम एशिया में गुस्सा है और इसराइल को बहुत बड़ी वार्निंग भी दे दी गई है। ईरान, तुर्की और सऊदी अरब इन दिनों इसराइल पर आग बबूला है। तुर्की ने कहा कि इसराइल गाजा पर बमबारी वाला पागलपन बंद करे, तो सऊदी अरब ने भी ये कह दिया कि इसराइल गाजा में घुसने की कोशिश ना करे, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ईरान की तरफ से सबसे सख्त बात कही गई है। राष्ट्रपति रईसी ने ऐलान कर दिया है कि इसराइल की हुकूमत गिरने वाली है। कुल मिलाकर एक बात साफ है कि इसराइल गाजा पर नॉनस्टॉप बमबारी की वजह से पूरे पश्चिम एशिया में घिर चुका है। ईरान और सऊदी अरब की तरफ से तल्ख बातों के बाद अब तुर्की भी इसराइल के खिलाफ उतर चुका है। सवाल है कि क्या ये तीनों देश इसराइल के खिलाफ एक्शन को लेकर वाकई गंभीर हैं या फिर ये सिर्फ एक गीदड़ भभकी है। ईरान ने इसराइल और अमेरिका दोनों को डराने के लिए एक बहुत बड़ा युद्धाभ्यास किया है। इस युद्धाभ्यास में ईरान की सेना ने 200 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया है। ईरान की IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर के कमांडो ने इस्फहान के पास अपनी पूरी ताकत दिखाई है। इतने हेलीकॉप्टर एक साथ लॉन्च करने का मतलब युद्ध ही होता है।
इसमें ईरान के कोबरा हेलीकॉप्टर भी शामिल हुए। यानी मैसेज साफ है, ईरान बताना चाहता है कि अपनी तरफ बढ़ती सेनाओं के खिलाफ कमांडो ऑपरेशन शुरू करेगा। 200 हेलीकॉप्टर के साथ ईरान अपनी क्विक रिएक्शन फोर्स का प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि अब नए जमाने की युद्ध में तेजी से हुई कार्रवाई ही निर्णायक साबित होती है। एक बड़ी कमांडो टीम को कैसे दुश्मन के इलाके में उतारना है, ये भी दिखाया गया। अमेरिका में बने C-130 हरक्यूलिस विमान के जरिए कमांडोज को कैसे दुश्मन के इलाके में भेजना है, इसकी भी तैयारी दिखाई गई। लेकिन सबसे खतरनाक मैसेज ईरान की ड्रोन पावर है। यूक्रेन में शाहिद ड्रोन की कयामत वाली कार्रवाई के बाद अब ईरान कॉम्बैट ड्रोन में सुपर पावर बन चुका है। ड्रोन से मिसाइल कैसे फायर करनी है, दुश्मन पर कैसे पिन पॉइंट अटैक करना है, ये भी ईरान के इस युद्धाभ्यास में दिखाया गया। इसके बाद बारी आई है टैक्टिकल मिसाइल, यानी छोटी दूरी पर दुश्मन के टुकड़े पर कैसे सटीक हमला करके हाहाकार मचाना है। ईरान इसका भी एक्सपर्ट बन चुका है। ये सब हथियारों को इजराइल के बॉर्डर तक ले जाना ईरान के लिए आसान नहीं, लेकिन एक तरह से ये युद्धाभ्यास करके ईरान अपने दुश्मनों को बता रहा है कि अगर उसे अपनी जमीन पर युद्ध लड़ना पड़ा तो मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। ईरान, तुर्की, सऊदी अरब इन दिनों सब इसराइल पर आग बबूला है। तो इस बीच हम आपको ये भी बताएंगे कि युद्ध की स्थिति क्या है। जिस तरह से गाजा में इसराइल का ऑपरेशन चल रहा है, उसकी वजह से कई देश उसके दुश्मन बन चुके हैं, और इसी वजह से आपको बता दें इस वक्त इसराइल पर सबसे बड़ा जो दुश्मन नजर आ रहा है वो ईरान है। वो बार बार इसराइल को चेतावनी दे रहा है, तो फिलिस्तीन भी खामोश बैठने के मूड में बिल्कुल। वैसे ईरान बार बार कह चुका है कि गाजा में इसराइल का ग्राउंड ऑपरेशन हुआ तो इसका मतलब युद्ध होगा, और तब उसे रोकने वाली कोई ताकत नहीं बचेगी। ईरान के तेवर देखकर नेतन्याहू की तरफ से एक ऐसा बयान आया है जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। नेतन्याहू ने कहा है कि 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले के पीछे ईरान है। इस बारे में वो पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते। देखा जाए तो एक तरह से नेतन्याहू ने ईरान को क्लीन चिट दे दी है। ईरान तुम्हें बखमास, אני חושב שזה 90% בערך מהתקציב הצבאי של חמאס בא מאיראן. היא מממנת, היא מארגנת, היא מנחה, היא מדריכה. אני לא יכול להגיד לך בהכרח שבפעולה הספציפית הזאת, ברגע הספציפית הזה, הם היו שותפים למיקרו-תכנון. אבל זה שהם מגבים את מכונת המלחמה של החמאס, הם מקיימים אותה. בלי הפיגומים האלה אין חמאס, כמו שאין חיזבאללה. सवाल ये भी उठता है कि ईरान से युद्ध को लेकर क्या इसराइल बैकफुट पर आ चुका है, और वो ईरान से ये भी कहना चाहता है कि वो भी गाजा से दूर रहे। और अब ईरान भी अपनी जनता को खुश करने के लिए इसराइल के खिलाफ सिर्फ बयानबाजी पर फोकस कर रहा है। साथ में वो युद्धाभ्यास के वीडियो भी जारी करके बताना चाहता है कि ऑल इज वेल। ऐसे में सवाल है कि जब ईरान के लिए ये हथियार इसराइल के बॉर्डर तक पहुंचाना आसान नहीं, तो फिर गाजा को कौन बचाएगा? क्या गाजा को खुद को बचाना होगा? क्या गाजा के लिए युद्ध की धमकी वाले बयान सिर्फ और सिर्फ दिखावा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि इसराइल की सेना ने रात के दौरान चलाए गए ऑपरेशन के दौरान गाजा में कार्रवाई की है। हालांकि उसे शुरुआती झटकों के बाद समझ में आ गया कि गाजा में टिककर ऑपरेशन करना उसके लिए आसान नहीं होगा। ये गाजा की तरफ बढ़ती इसराइल के सैन्य काफिले का वीडियो है जो 7 अक्टूबर का बताया जा रहा है। तब हमास की एक एंटी टैंक मिसाइल ने इसराइल की पैंथर बख्तरबंद गाड़ी को टारगेट किया था। इस धमाके का क्या असर हुआ, इसकी रिपोर्ट नहीं मिली, लेकिन पैंथर बख्तरबंद गाड़ी में 12 से 14 सैनिक सवार किए जाते हैं। میدان رهاوت مردان با ایمان است
نمردان سوس انصاری که احرس الناس علی حیاتن حریصترین مردم به زنده بودن همین صهیونیست ها هستند. गाजा में बमबारी के बीच एक बड़ा हॉटस्पॉट इसराइल और लेबनन का बॉर्डर बनता हुआ नजर आया, लेकिन अब उत्तरी इसराइल की तरफ लेबनन बॉर्डर पर हिजबुल्ला के हमलों में भी नई धार देखने को मिल रही है। अपने 40 से ज्यादा लड़ाकों को खोने के बाद हिजबुल्ला ने इसराइल की पोस्ट पर एंटी टैंक मिसाइल से हमला तो किया, लेकिन अब तक वो इसराइली फौज का कुछ खास नहीं बिगाड़ पाया है।